three. Welcome back to my mini vlog. No. ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो लोग मेरे से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे अबाउट लैब टेक्नीशियन, कैसे बने, क्या बने, कितना सैलरी मिलता है एंड क्या करते हो, स्टडी करते हो, जॉब करते हो. तो मेरे को काफ़ी लोगों ने मैसेजेस पूछे थे, तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बना के देती हूँ, क्योंकि हम यूट्यूब पे देखते हैं काफ़ी लोगों ने लैब टेक्नीशियन के रिगार्डिंग बहुत वीडियोस अपलोड करी हैं, किसी ने भी वैसा कुछ प्रॉपर रिप्लाई या आंसर नहीं दिया. कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज. अच्छा, जिनको क्वेरीज रहती हैं कि व्हाट इज लैब टेक्नीशियन कोर्स, कहाँ से करें, कैसे करें, पहले DMLT करें या BMLT करें, विच इज गुड फॉर फ्यूचर एंड एवरीथिंग. तो हेयर इज द वन वीडियो जिसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे. तो काफ़ी लोगों ने मुझे ऑलरेडी मैसेजेस और कमेंट्स करे थे मेरी लैब टेक्नीशियन वाली वीडियोस में, तो मैंने सारे क्वेश्चंस देखे और मैंने टोटल 19 क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट करा है और अब मैं उनका जवाब देने जाऊंगी ताकि आप लोगों की जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाए. थक गई मैं, तो आइए शुरू करते हैं. तो क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जो लोग ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना ताकि आपको डेली अपडेट चाहिए. और अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी बात की तो आप मुझे भेज सकोगे, मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई दूँगी क्योंकि मैं बहुत वेली हूँ. चलो आज का मिनी व्लॉग, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, आज का व्लॉग आज की वीडियो शुरू करते हैं. तो पहला क्वेश्चन, आप तो जॉब करती हैं तो फिर पढ़ाई किस चीज़ की कर रही हो? आपने BMLT किया है ना, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ. राइट नाउ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लैब टेक्नीशियन. मैं जॉब कर रही थी पहले क्योंकि मैंने DMLT करा है पहले. तो DMLT करने के बाद मैं चंडीगढ़ में आई थी फॉर माई BMLT. जिन लोगों को नहीं पता व्हाट इज़ DMLT एंड BMLT, तो DMLT इज़ द डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन एंड BMLT इज़ द बैचलर्स इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन. अभी कुछ लोग पूछेंगे कि BMLT और BSc MLT में क्या फ़र्क है, तो BMLT एंड BSc MLT दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस अलग अलग नाम दे दिए हैं, दैट्स इट. मैं जॉब नहीं कर रही अभी, मेरे पास टाइम था बीच में कुछ था, तो मैंने सोचा कि जॉब क्यों ना की जाए, मैं जॉब क्यों ना करूं, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं पास आउट हो चुकी थी, तो मुझे लगा कि मैं फ्री हूं तो मुझे जॉब करनी चाहिए. अभी मैं बैचलर्स कर रही हूं इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन. सेकेंड क्वेश्चन है, डायरेक्ट BMLT करें तो जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो नहीं होगी दी? ओके, तो BMLT अगर आप डायरेक्ट BMLT करते हो, DMLT नहीं करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी या कुछ भी हो जाएगा. आप लोग DMLT तब करते हो, मैंने DMLT की पर्सनली क्यों करी थी, क्योंकि मेरे जम्मू कश्मीर में DMLT थी उस टाइम पे, BMLT नहीं थी, तो मैंने DMLT करा एंड उसके बाद BMLT कर रही हूँ. तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप अगर करना चाहते हो इस कोर्स को अपने फ्यूचर में कंटिन्यू, तो प्लीज़ गो फॉर BMLT या BSc MLT या MLS, क्योंकि डिप्लोमा में टाइम वेस्ट क्यों करना है ना, तो आप सीधा BMLT करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके पास बैचलर्स हैं, बैचलर्स करोगे तो क्या ही प्रॉब्लम आएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम आपने बी एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके BMLT कोर्स किया है, प्लीज़ रिप्लाई मैम. ओके, तो मैंने DMLT के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरी सीट निकली थी, और फिर उसके बाद मुझे गवर्नमेंट सीट मिली थी DMLT के लिए, जो कि जम्मू कश्मीर में था. और BMLT मैं प्राइवेट कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया था. मैं डायरेक्ट कॉलेज गई, वहाँ पे मैंने कोर्स अपना सेलेक्ट करा एंड उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया. तो अगर आपने गवर्नमेंट के थ्रू करना है BMLT, तो ऑफकोर्स आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा पैरामेडिकल का, और आपके स्टेट्स में अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ पे पैरामेडिकल काउंसिल है तो वो कंडक्ट करता है एग्ज़ाम, जो कि नीट एग्ज़ाम भी कंडक्ट करता है, JKBOPI के नाम से है हमारा. आई डोंट नो आपके वहाँ पे कैसा होगा, बट आप प्लीज़ रिसर्च करना इस चीज़ के बारे में, क्योंकि अगर आप एंट्रेंस क्लियर कर लेते हो तो आपको फालतू के पैसे भी नहीं लगेंगे, और आप आसानी से गवर्नमेंट सीट अगर निकाल लेते हो, अगर आपको लगता है कि आप एंट्रेंस क्रैक कर लोगे तो
डेफिनेटली गो फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम. उसके बाद आप देख लो, अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा एंट्रेंस तो आप प्राइवेट चले जाओ, या फिर आपको लगता है कि अगर मैं एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और मेरा एंट्रेंस भी नहीं क्रैक होगा तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गो टू द कैंपस एंड एडमिशन ले लो एंड स्टार्ट योर बैचलर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कॉलेज से हो आप? तो राइट नाउ आई एम इन CGC जंजेड़ी विच इज़ इन मोहाली. आई डोंट नो आप लोगों को पता होगा इस कॉलेज के बारे में, बट दिस कॉलेज इज़ रियली गुड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव कम्प्लीटेड BSc एंड MSc इन नैनो टेक्नोलॉजी. कैन आई डू PG DMLT C? कैन आई गेट जॉब आफ्टर PG DMLT? वैसे मुझे पर्सनली PG DMLT का नहीं नॉलेज है, बट लाइक अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं नैनो टेक्नोलॉजी पे स्टिक करती, मैं आगे जाके कोर्स अपना चेंज नहीं करती. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैब टेक्नीशियन ड्यूटी आवर्स कितने होते हैं? इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैब्स और अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल वेयर यू आर वर्किंग. मैं जब जम्मू कश्मीर में इंटर्नशिप कर रही थी तो ड्यूरिंग दैट टाइम हम 10 बजे जाते थे एंड उसके बाद 4 बजे हमें ऑफ हो जाता था, बट जो स्टाफ था वो 5 बजे जाता था. साथ में जहाँ पे मैं यहाँ चंडीगढ़ जब मैं आई तो चंडीगढ़ आके भी जॉब करी है 2 महीना. मैं यहाँ पे फ्री थी तो मैंने सोचा कि जॉब कर लेती हूँ, और यहाँ पर मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस था. लाइक गंदा नहीं था, ठीक है, मैं वहाँ से भी बहुत कुछ सीख के आई हूँ. मैं गंदा नहीं बोलती, चलो, बट गंदा इन द सेंस कि वो लोग इतने मीन थे, सेल्फिश थे कि अपना काम निकलवाने के चक्कर में वो 12 आवर्स की शिफ्ट लगवाते थे मेरे से. मैं 12-12 घंटे वहाँ काम करती थी और सिर्फ महीने की 2 छुट्टियाँ होती थी, एंड मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग हो गया था. मैं न्यू चंडीगढ़ आई थी और न्यू मेरे को ये एक्सपीरियंस मिला एंड आई वॉज लाइक मुझे कोई बाहर निकालो यहाँ से. तो अगला क्वेश्चन है कि BSc MLT बहुत कम वैकेंसी होती है, इसकी प्राइवेट में सैलरी कम है, इससे अच्छा तो टीचिंग का कोर्स है. वेल ट्रू, आई अग्री विद यू, बट टोटली अग्री नहीं करूँगी क्योंकि MLT का जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रांग है. अगर आप वहाँ पे अप्लाई करना चाहो एग्ज़ाम, अगर आप क्रैक कर लो तो डेफिनेटली आपको जॉब अच्छी मिलेगी, अच्छा पोस्ट मिलेगा अगर आपका क्वालिफिकेशन अच्छी है. एंड अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो तो प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए. आपको वो जॉब की सैलरी आपकी फाइनलाइज होती है कि हाउ मच एक्सपीरियंसड यू आर इन दिस फील्ड. एंड यस, अगर आप BMLT करके MSc करते हो एंड उसके बाद टीचिंग में जाते हो तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्कोप है, आप प्रोफेसर बन सकते हो. कैन यू टेल मी प्लीज़ व्हाट टू डू आफ्टर BSc केमिस्ट्री टू डू लैब टेक्नीशियन इन इंडिया? तो अगर आपने केमिस्ट्री में करा है तो आप फ्यूचर में बायोकेमिस्ट्री के लैब टेक्नीशियन डेफिनेटली बन सकते हो. चूज़ बायोकेमिस्ट्री फॉर MSc, मास्टर्स कर लो उसमें, तो डेफिनेटली आपका अगर केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो बायोकेमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो जाएगा. जैसे आई एम वेरी बैड इन केमिस्ट्री, तो मेरा बायोकेमिस्ट्री बहुत ही वीक है, पर्सनली बता रही हूँ, तो मैं भागती हूँ बायोकेमिस्ट्री से. एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वगैरह वो सब नहीं होता. तो अगर आपका स्ट्रांग है तो डेफिनेटली बायोकेमिस्ट्री चूज़ करो क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और बहुत कम लोग बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स करते हैं, तो जस्ट गो फॉर इट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लैब टेक्नीशियन के लिए बहुत कंपटीशन होता है? मेरा 62% है, क्या मेरा SCB में DMLT में होगा? तो कंपटीशन है बट इतना नहीं है क्योंकि अभी इतने लोग अवेयर नहीं हैं इस कोर्स के बारे में. तो आप DMLT करना चाह रहे हो तो जस्ट गो फॉर इट, ईजी है. अगर आप एंट्रेंस दे देते हो तो आपका हो जाएगा अगर, तो आप DMLT कर लो. बट अगर आपको लगता है एंट्रेंस नहीं होगा तो आप प्राइवेट में भी, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं अभी, है ना, पहले नहीं थे, तो आप प्राइवेट भी कर सकते हो. अच्छा दीदी, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो? नहीं, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हूँ. मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करके पास आउट हुई थी और मेरा DMLT ख़त्म हुआ था वहाँ से. क्या आपके वहाँ या कहीं जॉब वैकेंसी हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी, मैं भी लैब टेक्नीशियन हूँ. वेल आप अपनी सिटी में ज़रूर लैब टेक्नीशियन की जॉब अप्लाई करो, ढूंढो. बाहर आने से बेटर है आप वहाँ पे ढूंढो, क्योंकि बाहर आओगे जॉब करोगे तो आपका खर्चा तो सारा रेंट पे निकल जाएगा, ग्रॉसरी पे निकल जाएगा. तो आप अगर अपनी सिटी में कर सकते हो तो बेटर फॉर यू, बट अगर आपको बाहर आना है तो आप बाहर भी आ सकते हो, बहुत ऑप्शंस हैं. आप अपना गूगल यूज़ कर सकते हो, जस्ट गूगल द वैकेंसी ऑफ जॉब्स इन MLT, जॉब्स ऑफ लैब टेक्नीशियन, एंड देन यू डेफिनेटली फाइंड अ जॉब.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं BMLT करूँ या DMLT, बेस्ट कौन सा है और जॉब जल्दी मुझे किस में मिलेगी, प्लीज़ टेल मी। तो DMLT करनी है या BMLT करनी है ये मैंने पहले ही बता दिया, जस्ट गो फॉर BMLT। DMLT करके टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर BMLT कर लोगे तो उसके बाद आप मास्टर्स कर लोगे, फिर उसके बाद अगर आपको PhD करनी है तो PhD कर लोगे, अगर DMLT करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। आपने क्या किया है, डिप्लोमा या बैचलर्स? पहले मैंने डिप्लोमा करा था 3 ईयर्स का, 2 ईयर थ्योरी एंड 1 ईयर इंटर्नशिप था, एंड अभी मैं बैचलर्स कर रही हूँ जो कि मेरा 2 साल का है, इसके अंदर 6 महीने मेरे इंटर्नशिप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज नॉन साइंस स्टूडेंट कैन डू DMLT? डेफिनेटली आप कर सकते हो DMLT, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अगर आप नॉन साइंस हो तो आप कर सकते हो DMLT, ऐसा कुछ इशू नहीं है। हाउ मच सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर DMLT? वेल, अगर मैं जब जॉब ढूंढ रही थी तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि 15,000 मिनिमम हो, क्योंकि DMLT मैंने जो करा था उसके अंदर मेरी 1 ईयर इंटर्नशिप थी एंड 2 ईयर थ्योरी थी, के बीच में मुझे एक्सपीरियंस भी था, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 15,000 एट दैट टाइम, बट अभी मेरा BMLT भी हो रहा है तो इसके बाद मेरा ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी मुझे ये कोर्स मिल रहा है, क्या उसे परस्यू कौन करना चाहिए और फी कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वेल, गवर्नमेंट के थ्रू करोगे तो आपको लाइक 2400 to 2500 के बीच में आपका ओवरऑल हो जाएगा अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू करते हो, बट अगर आप प्राइवेट करते हो तो डेफिनेटली आपका 2 to 3 lakh आपके लग जाएंगे इस डिग्री को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लैब टेक्नीशियन हो या लैब असिस्टेंट? वेल, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ओके, तो जब मैं जॉब के लिए जाती हूँ तो मैं एज अ लैब टेक्नीशियन की जॉब ढूंढती हूँ, लैब असिस्टेंट की जॉब नहीं ढूंढती। आई एम जस्ट स्टूडेंट राइट नाउ, मैं अभी कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, बट जब जॉब करूँगी तो ऑफकोर्स मैं लैब टेक्नीशियन या लैब साइंटिस्ट की जॉब करूँगी। तो लास्ट क्वेश्चन है, 2 ईयर 6 मंथ कोर्स करने के बाद कैसे गवर्नमेंट जॉब पे जा सकते हैं? तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है इस चीज़ का, अगर आपका स्टडी हो गया है उसके बाद अगर गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है तो आप वो वैकेंसी के लिए अप्लाई करो। जॉब के लिए एक एग्ज़ाम होगा जो कि लाइक कॉमन एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम आप क्रैक कर लो और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, एंड अगर आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए होंगे तो डेफिनेटली वो जॉब आपका हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चंस के आंसर्स जो आप लोगों ने मेरे से पूछे थे। आई होप मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को कवर किया होगा, अगर मैंने नहीं किया है तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं एक और क्वेश्चन आंसर्स वीडियो बना दूंगी। आई होप आप मेरे डेली व्लॉग्स को भी उतना ही प्यार दोगे जितना आप मेरी बाकी वीडियोज़ को दे रहे हो। दैट्स इट, आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग MLT तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करना, तो अगर मुझे लगेगा कि मुझे एक और वीडियो बनाना चाहिए तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए बनाऊंगी। या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाई।